संघीयता पर जिस तरह से 5 बरस से खर खसरा मंडरा रहा है। कभी साथियों ने अनवांटेड बेबी कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, और आज जिस प्रकार से संघीय संसद में चैलेंज के साथ चुनौती दिया जा रहा है, और कुछ पार्टी तो प्रदेश सभा को इग्नोर किया है, प्रदेश सभा में अपना उम्मीदवारी तक नहीं दे करके और संघीय संसद को सीधे संघीयता को खारिज करने का जिस तरह से बात किया जा रहा है, आज मध्य प्रदेश के संसद को, मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा को और यहाँ के जनता को सबसे ज्यादा चिंतित होने का विषय यही है। आज हम लोग यहां से एक संदेश दें कि अमेरिका में बैठ करके, यूरोप में बैठ करके लैपटॉप से संघीयता नहीं आया है, अंग्रेजी बोल करके, फ्रेंच बोल करके संघीयता नहीं आया है, सैकड़ों जनता के कुर्बानी से, हजारों जनता के सड़क पर आने से संघीयता आई है, और वो जनता का खून अभी पानी नहीं हुआ है। खबरदार, काठमांडू के संसद अगर संघीयता के बारे में, प्रांतीयता के बारे में एक लाइन भी अगर बोला गया, संघीयता भीख में आया है। है कोई कारण है, कभी कभार जनता का अभिमत किसी किसी पार्टी को आ जाता है। हम लोगों ने 70 साल में भी देखा है, किसी पार्टी को मिल गया था, फिर 74 आते आते पता नहीं चला, फिर आया है 79 में, कुछ पार्टियों को मिल गया है, काठमांडू में बैठे पार्टियों को, उनको अपना आधार नहीं समझना चाहिए। आधार जनता का, परिवर्तनशील जनता का, प्रगति चाहने वाले जनता का खून पसीना और उसके लगानी, उसका सैकड़ों बरस का चाहना से देश में संघीयता आई है, देश में लोकतंत्र आया है, देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था आई है, और इस व्यवस्था को कोई चुनौती न दे। मध्य प्रदेश का जनता, युवा, यहाँ के मजदूर, किसान, यहाँ के महिला और यहाँ के संपूर्ण परिवर्तन चाहने वाले लोग आज भी सचेत हैं। आज प्रथम बैठक से यह संदेश जाना चाहिए। मैं काठमांडू में और कुछ कुछ यहाँ भी आजकल मैं सुनने लगा हूँ, सुशासन चाहिए, गुड गवर्नेंस है क्या? ये तो सभी दिन में ऊपर से सत्ता संचालन करने वाले लोग मूल समस्या को डाइवर्ट करने के लिए दिया गया यह नारा है। गुड गवर्नेंस का मूल क्या है? गुड गवर्नेंस का मूल है सेल्फ रूल। सेल्फ रूल जब तक नहीं होगा, स्वशासन जब तक नहीं होगा, तब तक सुशासन का हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रदेश सभा मध्य प्रदेश सुशासन का बात करने वाला प्रदेश है, हमें हमारा स्वशासन चाहिए। हम स्वशासन की बात करते हैं, हम सेल्फ रूल की बात करते हैं, सेल्फ रूल पर टेक करके हम गुड गवर्नेंस का बात करेंगे। पहले स्वशासन, फिर सुशासन। स्वशासन होगा, सुशासन हम कायम करेंगे। हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचारी का, अपारदर्शिता का, पक्षपाती का। कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कोई अपारदर्शिता, अपारदर्शी गतिविधि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब? जब हमारा स्वशासन होगा। स्वशासन के लिए क्या चाहिए? स्वशासन के लिए जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, काठमांडू के राजनीतिक पार्टी और नेतृत्व करने वाले पार्टियों से हमारा अनुरोध करना चाहते हैं, ये गरिमा में सदन से, हम लोगों ने बिल मात्र पास नहीं किया, विधेयक मात्र नहीं पास किया प्रहरी, मधेश प्रहरी गठन का, हम लोग ने एकमत से हाउस से प्रस्ताव पास किया है कि मधेश प्रदेश प्रहरी गठन होना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार हम लोगों को सहज करे। हम केवल डेवलपमेंट इकाई नहीं है, जिला विकास है पहले के जैसा। कई सभापति लोगों को मैं यहां देखता हूं,
बजट आया बांट दिया, होम पाइप लगाएंगे या सड़क ढलान करेंगे, वही काम करेगा प्रदेश सभा। प्रदेश सभा कानून बनाएगा, जनता के संविधान के अनुसूची 6 के 1 नंबर में मधेश शांति सुरक्षा का बात की गई है, और शांति सुरक्षा के लिए बिना प्रदेश बिना प्रहरी का शांति सुरक्षा होगा? कब बनेगा हमारा मधेश प्रहरी? कब हम शांति सुरक्षा की बात करेंगे? आज हमारे आने वाला दिन में सबसे बड़ा चुनौती इस बात का है कि स्वशासन का जो मूल उसका जो तत्व है, मूल डायमेंशन है, उस पर टेक करके आने वाला यह प्रदेश 5 वर्ष के लिए स्वशासन के दिशा में यदि हम काम कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।